ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। नाज़रीन हमारे साथ आज मौजूद है पीडीआई पॉलिसी इलेक्शन इलेक्शन मैनेजमेंट सेल के पॉलिसी हेड तैमूर जगरा साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तैमूर जगरा साहब, पहले तो हम सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन करना चाहेंगे कि दैट हु इज मिसिंग इन तैमूर जगरा। जी मैं पॉलिटिक्स और पीटीआई में तो कुछ महीने पहले ही आया हूँ। इससे पहले मैं मैकिन्सी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म है उसमें एक पार्टनर था और दुबई में बेस था और दुबई में उनका एजुकेशन प्रैक्टिस देखता था और उनका जो हंड्रेड्स ऑफिस था पाकिस्तान में वो दो तीन कॉलीग्स के साथ मैंने बनाया और पाकिस्तान में मैं जो सारा पब्लिक सेक्टर का काम है उसको मैं देखता था। माई बैकग्राउंड आई एम इंजीनियर, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की GIK से और उसके बाद कंसल्टिंग का करियर स्टार्ट करने से पहले मैंने 6 साल श्लम्बजे में ऑयल एंड गैस में काम किया और उसके बाद MBA करके मैं कंसल्टिंग में गया। पेशावर से मेरा ताल्लुक है एक पॉलिटिकल फैमिली से। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि अगर खान साहब चाहें तो इलेक्शन भी लड़ना है, लेकिन उसके साथ आई थिंक कि मेरे एक्सपीरियंस की वजह से ये काम करना पॉलिसी का पीटीआई के लिए बड़ा ज़रूरी था। आई एम वेरी ग्लैड कि जो हमारा 100 दिन का एजेंडा है वो हमारे सपोर्टर्स को पसंद आया और हमारे मुखालिफीन को शायद इतना पसंद ना आया। नाज़रीन मैं आपको ये बताता जाऊँ कि अभी पिछले दिनों जो धमाका खेज पीडीआई का ये जो एजेंडा पेश किया गया 100 दिन का एजेंडा, जिसे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा भी कहते हैं और इमरान खान साहब का 100 दिन का एजेंडा भी कहते हैं, उसको भी लीक किया गया है, लीक किया है तैमूर जगरा साहब ने। अच्छा तैमूर जगरा साहब, अब हम इसी क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जो आज का हमारा मेन इंटरव्यू का मकसद ही है कि ये जो अभी एजेंडा पेश किया गया है पीडीआई का 100 डेज का एजेंडा, इसके बारे में आप हमें एक ओवरव्यू दें, ये किस तरह है, क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें, किस तरह पीटीआई जब इंशाल्लाह हुकूमत में आती है तो इस एजेंडे को लेकर चलेगी। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है ये। जो सबसे पहले बात ये है कि पाकिस्तान में जैसे टिपिकली पॉलिटिकल पार्टीज मंशूर बनाती हैं, ये एक टिक द बॉक्स एक्सरसाइज होता है, बस शर्त पूरा करने के लिए लोग करते हैं। हम चाह रहे थे कि इस बार हम कुछ मुख्तलिफ करें, हम दिखाएं कि जो इमरान खान की विजन है, जो उनकी सोच है, उसकी हम सही तौर पर अक्कासी करें अपने मंशूर में, अपने जो है 100 डे के एजेंडा में। तो इस पर हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि हम इसको क्या शक्ल देना चाहते हैं और हमने सोचा कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इंशाल्लाह जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने इलेक्शन जीतने के बाद, कि वो जो ये 70 साल ये मुल्क की डायरेक्शन ठीक नहीं रही, उसकी सिमट जो ठीक नहीं रही, उसको कैसे ठीक करें। इसलिए हमने फोकस किया एक 100 डे के एजेंडा बनाने में और मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि हमने बाहर लोगों से तो कंसल्ट किया, लेकिन इसमें सारा जो काम है वो पार्टी के लीडरशिप ने किया और पार्टी के लीडरशिप ने एक टीम के तौर पर किया। जहांगीर तरीन साहब ने, अरबाब शहजाद साहब ने जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे KP में और अभी हमारे इलेक्शन सेल के हेड हैं, फिर मेरी एक टीम है वेरी ब्राइट यंग पीपल जिनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में भी, असद उमर साहब ने, शाह महमूद साहब ने, तो तकरीबन सारी टॉप लीडरशिप थी वो इसमें इन्वॉल्व थी। वो आपको जो हमारे लॉन्च इवेंट है उसमें भी नज़र आता होगा क्योंकि सब ने अपना पार्ट जिस पे उन्होंने काम किया था खुद प्रेजेंट किया और यही एक चीज़ जो है वो मुख्तलिफ है कि हमने मंशूर को या 100 डे एजेंडा को जो है एक फोकस दिया, नॉट जस्ट एज अ टेक्निकल जो है डॉक्यूमेंट, बट एक ऐसी चीज़ के तौर पे जिस पे सारी लीडरशिप टीम इन्वॉल्व है। और बेसिकली मैं इस पे ये कहूँगा कि हमने जो ब्रेनस्टॉर्म किया उसकी जो बिल्कुल बुनियाद थी वो 6 पॉइंट्स, उन 6 पॉइंट्स से इमरान खान साहब के 11 पॉइंट्स भी निकले जो कि लाहौर में उन्होंने प्रेजेंट किए और फिर सारे 100 दिन के एजेंडा का डिटेल भी निकला। और वो 6 पॉइंट्स क्या वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग गवर्नेंस या तर्ज हुकूमत को बदलना और ऐसी हुकूमत कायम करना जो कि पाकिस्तान की सिमत सही कर सके। सेकंड, स्ट्रेंथनिंग द फेडरेशन या वफाक को और सूबों को मजबूत करना, क्योंकि जैसे इमरान खान साहब कहते हैं उनकी हुकूमत सिर्फ पंजाब की या पंजाब में सिर्फ लाहौर की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की हुकूमत होगी। तीसरी चीज़
रिवाइटलाइजिंग द इकॉनमी या मईशत को मजबूत करना, जो मईशत का हाल है वो सबके सामने है और उस पर एक इमरजेंसी एक्शन की ज़रूरत है। चौथी, चूँकि हम एक ज़रई मुल्क एग्रीकल्चरल इमरजेंसी, सो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म और वाटर कंजर्वेशन, यानी कि ज़रई तरक्की और पानी का तहफ़्फ़ुज़, ये हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है। और फिर सोशल सर्विसेज में रेवोल्यूशन लाना, यानी कि जो सोशल चेंज है उसमें इंकलाब लाना, और सबसे आखिर में लेकिन सर्टनली नॉट लीस्ट, और इस पे पार्टी की तरफ से मिस शीरीन मज़ारी ने बहुत काम किया, कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, बोथ इंटरनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी, उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट लाना ताकि अंदरून मुल्क भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में बेहतर आए और बैन अल-अक़वामी तौर पर भी जो पाकिस्तान की पोजिशन है दुनिया में वो बेहतर हो। ये जो छः पॉइंट्स हैं, इस पर सारा एजेंडा, सारा मंशूर और खान साहब की सारी 5 साल की हुकूमत चलेगी और ये 100 दिन एजेंडा का बेस। तैमूर साहब, आपने ये 6 पॉइंट्स जो इसके मेन है वो तो बता दिए, लेकिन इसके ऊपर जो हमारे मुखालफीन हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो उठा लिए हैं विजन 2025 से, तो आप इस क्रिटिसिज्म और इसको सारी चीज़ को किस तरह देखते हैं? ये काफ़ी मजाया बात है, और इनफैक्ट क्योंकि मैंने ना कभी पहले विजन 2025 देखा था, ना नून लीग का कोई और डॉक्यूमेंट देखा था, तो जब उन्होंने ये बात कही, और मैं एहसन इकबाल साहब का शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने पूरी जो नून लीग की काबीना है उनको इकट्ठे करके इतने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ साबित कर ली कि ये जो डॉक्यूमेंट था इसका कोई मकसद था, क्योंकि वो इमीडिएटली इमरजेंसी रिस्पॉन्स में चले। मेरे ख्याल में कोई भी तैयार नहीं था कि खान साहब और उनकी टीम इतनी कन्विक्शन के साथ अपने एजेंडा पे बोलेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में बाकी कम अज़ कम हमारी अपोजिशन पार्टीज़ में थोड़ा सा एक जलजला जो है वो हुआ। तो क्यों जो है मैंने उसके बाद जो है ये डॉक्यूमेंट स्टडी किए, तो पहली चीज़ तो ये कि ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि हमने एज एन इंटरनल टीम ये सारा काम किया। लेकिन दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहूँगा और दो तीन चीज़ें मैं पॉइंट भी करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने दो तीन बड़े इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए। देखिए, 2 पॉइंट्स थे जिन पर तनकीद हुई। एक तो ये कि ये हमारी विजन की कॉपी है, और दूसरी ये कि ये रियलिस्टिक नहीं है, ये हो नहीं सकता, इस टाइप के पॉइंट्स जो है वो होने नहीं चाहिए। अब पहली तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कि अगर ये आपकी विजन की कॉपी है और ये रियलिस्टिक नहीं है या एक अच्छा प्लान नहीं है, तो मतलब कि आपका विजन भी जो है वो एक अच्छा प्लान नहीं है। चलिए ठीक है, वो मान लिया, वो कहेंगे नहीं कि कॉपी भी अच्छी हो सकती है बुरी हो सकती है, लेकिन हम असली चीज पे आते कि ये रियलिस्टिक नहीं, ठीक है। और मैं आपको जो है दो डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, वो कह रहे हैं कि आपने ऐसी चीजें कही हैं जो कि कहनी चाहिए नहीं थी। सबसे ज्यादा तनकीद हुई 10 मिलियन या 1 करोड़ जॉब्स पाकिस्तान में, अब या इस चीज पे हुई कि इसमें ऐसे वादे हैं जो कि आप कर नहीं सकते। ये भी है पंजाब ग्रोथ स्ट्रेटजी 2018, एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूविंग सोशल आउटकम्स। अगर आप देखते हैं इस पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का लोगो, ठीक है, इसमें पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब का एक मैसेज है और ये पंजाब के प्लानिंग डिपार्टमेंट ने बनाया। ये 2014 या 2015 में पब्लिश हुआ, यानी कि तकरीबन PMLN गवर्नमेंट के पास जो है सारा ये एक टर्म था जिसमें ये इस पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसमें जो पॉइंट्स हैं वो आपको दिखाना चाहूँगा, जिससे इनकी सारी क्रिटिसिज्म या सारी तनकीद खुद ही एड्रेस हो जाती है। आज इसमें इन्होंने 6, अगर आप पेज 5 निकालें उस पे जो दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पंजाब ग्रोथ स्ट्रैटेजी, इसमें इन्होंने 6 पॉइंट्स बताए। उसमें सबसे जो मजेदार बात है वो ये है कि क्रिएट 1 मिलियन क्वालिटी जॉब्स एवरी ईयर इन पंजाब, मतलब कि
5 मिलियन या 50 लाख जॉब्स पंजाब में 5 साल में, पंजाब पाकिस्तान की आधी आबादी है, दैट मीन्स के पाकिस्तान में 1 करोड़ जॉब्स। तो मतलब जो 1 करोड़ जॉब्स की तनकीद कर रहे हैं, वही 1 करोड़ जॉब्स इन्होंने अपने प्लान में भी खुद ही डाले। क्यों? क्योंकि ये जैसे असद उमर साहब ने कहा, पाकिस्तान में तकरीबन जो है 2 करोड़ लोग हर साल लेबर मार्केट में आते हैं, उनको जॉब्स देने की कोशिश करना हुकूमत की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हमारी ये तनकीद कर रहे हैं, पंजाब में यही चीज इन्होंने डाला है, अचीव किया या नहीं, कोई एविडेंस नहीं है कि ये अचीव किया। अच्छा, अनरियलिस्टिक की बात करते हैं, एक चीज जो हकीकत पे मबनी नहीं है। बाकी पॉइंट्स इनके देखते हैं, 8% GDP ग्रोथ पंजाब में हुई है, नहीं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पंजाब में 17.5 अरब डॉलर को 2018 तक इंक्रीज करना हुई है, नहीं। उसके बाद जॉब्स का मैंने बता दिया, नहीं। उसके बाद 2 मिलियन ग्रेजुएट्स को ट्रेन करना पंजाब में बाय 2018 हुआ है, नहीं। अच्छा, उसके बाद पंजाब के एक्सपोर्ट्स 2015 से 2018 तक हर साल 15% इंक्रीज करना, मतलब कि तकरीबन 60 या 70% एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज होना चाहिए थे। और हमें पता है कि जो एक्चुअल डेटा है वो ये है कि एक्सपोर्ट्स हमारे जितने आज कम है वो 2013 में भी नहीं थे, तो ये टारगेट भी अचीव नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद अचीविंग ऑल द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि कोई बच्चा 5 से 16 साल की उम्र तक स्कूल से बाहर ना हो, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट्स जो है वो काफी कम हो, ऐसे और भी जो सारे जो यूएन के गोल्स थे, by 2018 इनमें से बाकी पाकिस्तान में भी नहीं हुआ, पंजाब में भी नहीं हुआ। मतलब कि अनरियलिस्टिक गोल्स जिनको कंप्लीट ना कर सके, वो तो ये खुद मायर है, तो चूंकि ये खुद शायद नहीं कर सके, इसलिए इनको जो है क्रिटिसिज्म किसी और पे देना जो है वो बड़ा आसान लग रही है। इनको शायद ये खतरा है कि ये तो नहीं कर सके, लेकिन हमारे पास प्लान है, हम जो है कर सकते। ये तो मैंने आपको सिर्फ पंजाब ग्रोथ स्ट्रैटेजी से कह दिया। इस तरह की बड़ी मजाइया बातें विजन 2025 में है। और जहां तक कॉपी की बात है, उस पर मैं ये करूंगा कि हमारा अप्रोच ही बिल्कुल इनसे फर्क है। विजन 2025 पे ऐसे इकबाल साहब खुद कहते हैं कि हमने 2 साल लगाए, हजारों लोगों के साथ हम बैठे, उनको चाय समोसे खिलाए पिलाए, गपशप लगाई जो है, उसके बाद बड़ी जो है हर चीज उसमें डाली, और उसके बाद 2 साल के बाद एक प्लान बनाया जिसका उसके बाद 3 साल में किसी ने पूछा भी नहीं। और ये जो है डेवलपमेंट और जो ट्रेडिशनल गवर्नमेंट है उसका एक ये रिवायती हिस्सा है कि आप जो है प्लान बनाने में जो है बहुत से लोगों को खुश भी करें, उनको TA DAP दें, बाहर के लोग भी जो है वो एंगेज करें, अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन उसके बाद जो है ना उसको पब्लिक में लाएं और ना फिर उसके बाद ये बताएं कि उसका हुआ क्या। 2 साल इन्होंने लगाए। हमने यही काम जो है 2 महीने पार्टी की लीडरशिप और पाकिस्तान के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ एक इतने एफिशिएंट तरीके में किया कि उसका और इसका तो बिल्कुल जो है प्रोसेस ही अलग है, और फिर उसकी फिलॉसफी भी अलग है। फिलॉसफी कैसे अलग है, ये लोग बात कर रहे हैं 10 साल 15 साल मंसूबे की। ऐसे इकबाल साहब जब आते हैं, पहले वो आए थे 1998 में, उन्होंने विजन 2010 दिया था, उसके बाद वो 2013 में आए, उन्होंने विजन 2025 दिया, खुदा ना खास्ता दोबारा आए फिर विजन 2100 देंगे। लेकिन चेंज ऐसे नहीं आता, चेंज ऐसे आता है कि हम आज क्या कर सकते हैं, कल क्या कर सकते हैं। इसलिए हमने बिल्कुल इसका उलट लिया, हमने ये कहा कि हम पहले 100 दिन में जो काम स्टार्ट कर सकेंगे और कैसे स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से एक्शन से स्टार्ट करेंगे, हमारा फोकस पहले 100 दिन होगा, 50 साल बाद नहीं होगा। तो बिल्कुल फर्क है। और जहां तक अनरियलिस्टिक होने का जो है सवाल है, अनरियलिस्टिक प्लान्स ये देते रहेंगे, इसलिए ये हर चीज को अनरियलिस्टिक कहते हैं, लेकिन ये पहले कभी ऐसे एक्सपोज नहीं हुए।
मेरा ख्याल से इसका मसला ही है इस वक्त एहसन इकबाल साहब, जो इनको एरोस खान साहब एरोस्टॉटल भी कहते हैं पाकिस्तान के, तो उनका मसला ही है कि उन्होंने जो 2025 का विजन था आप लोगों ने उसको 100 दिन में करने का बता दिया, और वो भी इंशाल्लाह इलेक्शन होते हैं जुलाई में, तो जुलाई 2018 में इंशाल्लाह ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस सतह से स्टार्ट होगी और किस लेवल पर होगी, कौन से पॉइंट्स जो होंगे वो पहले इस मंशूर के, या ये 6 पॉइंट्स जो भी हैं इस मंशूर के वो सबसे पहले आप लेके चलेंगे, एक साथ उनको लेके चलेंगे, किस तरह होगा इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगी वो किस तरह? देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है, और टिपिकली जो गवर्नमेंट में और डेवलपमेंट सेक्टर में प्लानिंग होती है उसमें लोग इम्प्लीमेंटेशन का भूल जाते हैं। जैसे मैंने कहा तो प्लान बनाने में साल 2 साल लगा देते हैं, एक 200 पेज का डॉक्यूमेंट बना देते हैं, फीता काट देते हैं, उसके बाद वो घर चले जाते हैं, कहते हैं एक और प्लान बनाते हैं। इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत ऐसे नहीं करती। हमने जब इस प्लान का सोचा, हमने उसके साथ सोचा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, उसके इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म क्या होगा। पहली चीज़ तो ये कि कोई भी प्लान स्टैटिक नहीं होता, और जो आपने कहा एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि 100 दिन में प्लान मुकम्मल नहीं होगा, 100 दिन में इन सारी चीज़ों का आगाज होगा, और वो स्पेसिफिक एक्शंस के साथ, खास एक्शंस के साथ उनका आगाज होगा, जो कि इस डॉक्यूमेंट में जो हमने उस दिन जो है प्रेजेंट किया उसमें लिखी गई, और क्यों लिखी गई है, ताकि लोग कल कह सके कि यार इन्होंने ये बात कही थी, किस हद तक ये कर सके नहीं, या किस हद तक नहीं कर सके। अब उसमें इम्प्लीमेंटेशन सही करने के, या इसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने 4 एक्शंस का इसी डॉक्यूमेंट में लिखा है, जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन प्लान या स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा होगा। सबसे पहली चीज जो है वो ये कि खान साहब कैसी कैबिनेट लाते हैं, और इस पे जो है पार्टी की सीनियर लीडरशिप काम भी कर रही है कि जो है अगर वो कैबिनेट में जो लोग हों, जो खान साहब की कोर टीम हो, अगर उनकी क्वालिटी टॉप नॉच हो, और आपने उस दिन देखा भी, तो ये फिर इस प्लान के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनको लीड करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन उनका जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दूसरी चीज, दुनिया के काफी ममालिक में ये हो चुका है, जब इतना एक एम्बिशियस एजेंडा होता है तो उस पे हमेशा आप सिर्फ कैबिनेट या सिर्फ जो है ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्विस पे रिलाई नहीं कर सकते। तो दूसरा जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन प्लान का एक हिस्सा है वो ये है कि हम एक रिफॉर्म यूनिट बनाएं, जो कि इस 100 डे एजेंडा की इम्प्लीमेंटेशन में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बैठा हो, और खान साहब और उनके कैबिनेट को असिस्ट करें, और उस रिफॉर्म यूनिट में चाहे बंदा गवर्नमेंट से आए, चाहे बंदा प्राइवेट सेक्टर से आए, चाहे बंदा सूबे से आए, सिर्फ जो पाकिस्तान का टॉप टैलेंट होगा वो आएगा, जो कि इस एजेंडा में बिलीव करता है और जिसकी कैपेबिलिटी पे कोई शक नहीं। तीसरी चीज, खान साहब खुद इस एजेंडा को ओन करेंगे, उन्होंने कहा भी है, और इस एजेंडा का प्रोग्रेस जो है देखने के लिए वो खुद हर महीने जो है टॉपिक बाय टॉपिक फोकस करेंगे, देखेंगे, उनका हर मिनिस्टर के साथ एक जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिस पे वो जो है देख सकेंगे कि वो काम जो है वो टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा। और आखिरी चीज, जो प्रोग्रेस या जो प्लान पे काम हो, ये हमारी प्लान का एक अनोखा हिस्सा है, वो ये है कि वो प्रोग्रेस हम कौम के सामने रखेंगे, चाहे वो टाइम पे हो या ना हो। क्योंकि ये मैं अभी भी कह सकता हूं कि दुनिया की जो भी हुकूमत हो और जो भी प्लान हो, हमेशा हर चीज जो है वो टाइम पे नहीं होती, मुश्किलात आती हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल हुकूमतें उनमें और दूसरी हुकूमतों में फर्क ये होता है कि जहां पे डिले आता है प्लान, जहां पे रुकावट आती है, वो आवाम से कौम से छुपाते नहीं। और इंशाल्लाह जो ट्रांसपेरेंसी होगी या जो ओपननेस होगी खान साहब की हुकूमत की, वो कभी भी पाकिस्तान के अवाम ने किसी और हुकूमत में देखी नहीं होगी, चाहे वो मैसेज खान साहब से जो आए वो अच्छा मैसेज हो या वो बुरा मैसेज हो। तो मेरे ख्याल में अगर ये 4 चीजें और ये इंटरनेशनल जो है
पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट में ये चार प्रिंसिपल्स ट्राइड एंड टेस्टेड है। इस टाइप का काम जो है महातीर मोहम्मद मलेशिया में भी कर चुका, इस टाइप का काम जो है वो वेस्ट में भी जहाँ पे भी जो है बड़े रिफॉर्म एजेंडाज आए आ चुका है। तो अगर ये चार पॉइंट्स हो तो इंशाल्लाह इम्प्लीमेंटेशन जो है कौम के सामने भी होगी और कौम हमें असिस्ट करेगी, हमारे हमारी मदद करेगी। नाज़रीन हम आपसे सुबह ये भी कहेंगे कि आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप हमें फेसबुक लाइव जो अभी सेशन चल रहा है उसके कमेंट्स में आप करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और दूसरा आप ट्विटर पे हैशटैग यूज कर सकते हैं आस्क तैमूर जबरा ASKTAIMURJHAGRA तैमूर जबरा। तो अभी हमारे पास बहुत कम है, मुकाबला सख्त है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो हम चाहेंगे कि हम अपने जितने भी क्वेश्चन हैं उसको ले सकें और लोगों के क्वेश्चंस को भी आंसर करें, क्योंकि हमारी अपनी भी लिस्ट काफ़ी लंबी है क्वेश्चंस की, तो हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी हम आंसर्स लेंगे। अच्छा तैमूर साहब, हम नेक्स्ट हम क्वेश्चन आते हैं कि हमारा ये जो सिविल सर्विस है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें हम मेरिट को किस तरह यकीन दहानी करवाएंगे? एक तो जो बात है वो ये है जो 100-day प्लान में भी है कि हम पहले 100 दिन में ही एक टास्क फोर्स जो है बनाएंगे, जो कि पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में 6 महीने के अंदर एक कॉम्प्रहेंसिव सिविल सर्विस रिफॉर्म का प्लान देगा। लेकिन आपने स्पेसिफिकली मेरिट की बात की, उस दिन इवेंट में भी बात हुई कि हमारे सिविल सर्विसेज में बहुत काबिल ऑफिसर्स हैं, और जो है हम इसमें सिविल सर्विसेज में हम 2-3 चीज़ों को हम जो है फोकस करेंगे पहले 100 दिन में। पहले जो सबसे की पोस्ट है, जो सबसे की पोस्ट है उनमें सबसे अच्छे अफसरों को लगाना, और उसके बाद उनको उन रोल्स में टाइम देना। बिकॉज जो अक्सर हुकूमतों का चैलेंज होता है वो ये होता है कि अफसर को लगाते हैं 3 महीने बाद पोस्ट कर देते हैं, और उसके बाद जो मैंने कहा जो खान साहब की टीम होगी, जो रिफॉर्म यूनिट होगी, जो उसके साथ पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके बाद जब टॉपिक बाय टॉपिक रिफॉर्म एजेंडा को जो है रिव्यू किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है सिविल सर्विस में देखा जा सकेगा कि कौन परफॉर्म कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, और उसके बाद करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है। तैमूर, इस पे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो है कि पीजे की जो अकाउंटेबिलिटी और को किस तरह लेकर चलेगी, और पनिशमेंट्स का क्या इसका जो सजा होगी वो किस तरह लेकर चलेगी, और दूसरा इसी के साथ यही सवाल होगा कि इस पे एक जो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म यही आता है कि केपी में जो इस 5 साल में एहतसाब कमीशन बनाया गया वो फिर उसको बंद कर दिया गया, तो जो हाथ हुई, तो आप इस चीज को किस तरह लेकर चलते हैं कि फिर पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी जो होगी वो किस तरह होगी और सजा वगैरह सजा जजा का निज़ाम किस तरह चलेगा? आई थिंक इस पर तो खान साहब बहुत क्लियर है, उन्होंने नैब को फुल लाइसेंस देना कि वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें, और वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जो है वो चाहे PTI में से कोई हो, चाहे अपोजिशन में से कोई हो, चाहे सिविल सर्विस में से कोई हो, वो नैब जो है वो अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग होगा। आई थिंक ये कहना थोड़ी ज्यादती है कि अकाउंटेबिलिटी केपी में हुई नहीं, केपी के पहले साल या दूसरे साल में भी जो है PTI ने खुद अपने मिनिस्टर्स को पकड़ा, और अभी ही जब सेनेट का इलेक्शन हुआ तो 20 MPAs को सिर्फ एक ही पार्टी जो है इनकरेक्ट एक्शन पे निकाल सकती थी, और वो खान साहब ने दिखाया। हाँ जी, एहतसाब कमीशन के साथ मसले आए थे, और जो मेन मसला था एहतसाब कमीशन के साथ वो ये था कि कुछ जो है इंटरनल चैलेंजेस थे, और उसके साथ नैब भी जो थी वो इन पैरेलल केपी में चल रही थी। लेकिन जब इंशाल्लाह सेंटर में गवर्नमेंट होगी तो जो फोकस हो सकता है वो नैब पे हो सकता है। अगर नैब को फुली एम्पावर किया जाए तो फिर वो सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी काम कर सकती है, और ये बड़ा क्लियर है कि खान साहब की तरफ से नैब को फुल सपोर्ट होगी टू बी द अकाउंटेबिलिटी वॉचडॉग अक्रॉस पाकिस्तान, और फुल सपोर्ट होगी जो उनको रिसोर्सेज चाहिए। और कहीं पे आई डोंट थिंक कि इमरान खान की गवर्नमेंट नैब के लिए रुकावट बनेगी। ठीक हो गया। इसके साथ हम एक सवाल करेंगे कि IT नॉलेज इकोनॉमी के लिहाज से कोई आज सच क्लियर पॉलिसी में अभी ये चीज़ नज़र नहीं आई, तो इसको PTI किस तरह लेकर चलेगी,
क्या प्लान होगा, क्या वो 100 days एजेंडा में शामिल होगा या उसके लिए कोई बड़ा प्लान होगा? देखिए बहुत सी चीजें हैं, हम चूंकि इस एक्सरसाइज को सीरियसली ले रहे थे, बहुत सी चीजें हैं जो कि 100 day एजेंडा का हिस्सा नहीं बन सकी। उसकी वजह ये कि अगर हम हर ही चीज को डाल देते तो फिर वाकई ये क्रिटिसिज्म सही होती कि यार इन्होंने तो सब कुछ डाला है, सोचा ही नहीं है। जिसने जो कहा है, जैसे विजन 2025 में उन्होंने ये भी डाला है कि पाकिस्तान जो है 50 गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीतेगा और इतने स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैंपियन होगा, फिर उनसे पूछते हैं कि क्या काम उन्होंने किया। ऐसे नहीं करना चाहिए। आईटी और नॉलेज इकोनॉमी भी बड़ी जरूरी है और उस पर काम तो पहले दिन से शुरू होगा, जैसे और सी बहुत सी चीजों पर शुरू होगा। हर जगह जो है मिनिस्ट्रीज हैं, अकाउंटेबल लोग हैं। आईटी पे जो है एक हम स्पेसिफिक पॉलिसी देंगे। पाकिस्तान की जो आईटी सर्विसेज की पोटेंशियल है, इन पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, इससे जॉब्स भी क्रिएट हो सकती हैं, इससे एक्सपोर्ट्स भी आ सकती हैं, और वो पॉलिसी पे हम काम पहले दिन से ही शुरू करेंगे और वो पीटीआई के मैनिफेस्टो या जो मंशूर में निकलना है उस पॉलिसी के हाईलाइट्स होंगे। और बाय द वे आईटी पॉलिसी नहीं बल्कि बहुत सी पॉलिसीज में हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है कि हमें एक कमरे में बंद होके 5-6 points लिखने की जरूरत नहीं है। हम इस पॉलिसी में भी और बाकी पॉलिसीज में भी जो हमारा टैलेंट है हम उससे मशवरा लेंगे पॉलिसी लिखने से पहले भी और पॉलिसी लिखने के बाद भी। और हम बड़े टैलेंटेड लोगों से जो काम कर रहे हैं आईटी के शोबे पे जो है वो काम करेंगे। एक चीज इस पे मैं कहूंगा कि जो आईटी है या आईसीटी जो है, यहाँ पे व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि जो की फैक्टर्स हैं उन पे काम किया जाए। ये नई एक जो है एक इदारा है पाकिस्तान में, जो फॉर एग्जांपल पंजाब में एक आईटी बोर्ड है जो कंटिन्यूसली हर एक चीज पे पहले काम करता है, उसके बाद ये सोचता है कि आप इस काम का फायदा नहीं। ये भी नहीं कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, बिल्कुल अच्छा काम भी किया है, लेकिन जो है हर एक जो एफर्ट है वो फोकस होनी चाहिए टुवर्ड्स इम्पैक्ट। तो हमने देखना है कि पाकिस्तान की आईटी की सिर्फ एक इदारे की प्रोजेक्शन ना हो बल्कि पूरी एक आईटी पॉलिसी बने जिससे पाकिस्तान का जो आईटी इकोसिस्टम है वो बेहतर हो और जिससे पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो। ठीक हो गया। इसी के साथ अब हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जो सबसे ज्यादा इस वक्त क्रिटिक्स जिस पे आ रहे हैं वो यही है कि ये 5 million घर और 1 crore जॉब्स ये किस तरह होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैंने आपको कह दिया 1 crore जॉब्स का कि जो लोग कह रहे थे कि ये 1 crore जॉब्स का जो नंबर है वो बिल्कुल हवा से निकला गया है। वो लोगों ने उन्होंने और पीएमएलएन की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने इसी पंजाब ग्रोथ स्ट्रेटजी में वही नंबर खुद से दिया। यानी कि वो कह रहे हैं कि 1 crore में से 50 lakh जॉब्स की पंजाब में जरूरत है 2018 तक। तो अगर पंजाब में 2018 तक 50 lakh जॉब्स की जरूरत है, पंजाब मुल्क का आधा हिस्सा है, तो पूरे मुल्क में 1 crore जॉब्स की जरूरत है। तो ये होती है जो मैं जिन चीजों से सियासत में आके डिसअपॉइंट हुआ वो ये कि इतने काबिल लोग बाकी पार्टीज में भी हैं। आप इन चीजों के साथ जो पाकिस्तान की जरूरत है इन पे आवाम को गुमराह ना करें। जैसे असद उमर साहब ने कहा ये पाकिस्तान की जरूरत है और जब जरूरत है तो हमें इस पे एग्री करना चाहिए कि हमें ये जॉब्स ढूंढने और बल्कि लोगों से मशवरा लेना चाहिए कि कैसे ढूंढने। अच्छा, जॉब्स आएंगे कैसे? जॉब्स ऐसे आएंगे जब हम इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे और उन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें से जॉब्स आ सके। मुझे पता है कि कुछ नेट्स पे इंटरनेट पे जो है जोक्स चल रहे हैं कि 1 crore जॉब्स का मतलब कि 1 minute में इतने जॉब्स और 1 घंटे में इतने जॉब्स, और उनका ख्याल ये है कि ये सारे जो जॉब्स हैं ये या नौकरियां हैं ये हुकूमत में भर्तियों से होंगी। ये जो है उन पार्टीज की सियासत। गवर्नमेंट में भी जॉब्स की जो है वो जरूरत है, लेकिन अगर हमने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, अपनी मईशत को ग्रो करना है, तो इन जॉब्स का प्राइवेट सेक्टर से आना जो है वो जरूरी है। और उसके लिए जिन सेक्टर्स पे हम फोकस करेंगे, जिन सेक्टर्स में हम पैसा डालेंगे, उनमें से सबसे पहले हाउसिंग, घर बनाना। घर बनाना या कंस्ट्रक्शन जो है वो सेक्टर है जिससे सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन होती है। उसके बाद टूरिज्म, पाकिस्तान का इतना टूरिज्म पोटेंशियल है,
वो इंटरनल टूरिज्म भी हो सकती है, वो उसके साथ जो इंटरनेशनल पाकिस्तानी डियास्पोरा है 8 to 10 million लोगों का, उनको हम कैसे अट्रैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बाकी दुनिया को ले लें और हम अपने टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स को डेवलप कर लें, तो उसके अराउंड पूरी एक टूरिज्म इंडस्ट्री बनती है। फिर उसमें जो है होटल्स, उसमें जो है सर्विस एंड रिटेल आउटलेट्स, उसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन, तो टूरिज्म से जो है बहुत से जॉब्स आते हैं। और उसके बाद इकोनॉमी में जो SME स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज या जो छोटे बिजनेसेस वाले हैं, उनको फैसिलिटेट करना, उनकी जिंदगी आसान करना, उनको जो है आसान कर्जे देना, ताकि लोग अपने बिजनेसेस जो है सेटअप कर सके, उनसे जॉब्स आएंगे। सिर्फ ये नहीं, पाकिस्तान का हमेशा एक असासा रहा है वो लोग जो कि एज ओवरसीज पाकिस्तानी जाएं, और हमने एक ट्रेनिंग इमरजेंसी ऑलमोस्ट लगानी है जिसमें हम लोगों को उन सेक्टर्स में स्किल करें जिनसे वो बाहर जा सके, बाहर ट्रेन हो सके, बाहर अच्छे जॉब्स में जा सके और वापस पैसा भेज सके और पाकिस्तान के लिए एक असासा हो। उसके साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन सर सीपेक जो है वो फिलहाल सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। अगर हम सीपेक को सही तौर पे इस्तेमाल करें, अगर हम सीपेक को सिर्फ वेस्टर्न रूट तक महदूद ना करें लेकिन उसके साथ ईस्टर्न रूट भी जो है वो बनाएं, ताकि ये सिर्फ एक कॉरिडोर नहीं हो लेकिन ये एक नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी हो, फिर उस कॉरिडोर के अलोंग जो की पॉइंट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने, उसके साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने, उसमें जो है बहुत सी जॉब क्रिएशन हो सकती है। और फाइनली इवन इन द गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऐसे शोबे हैं जहां पे जॉब्स देने के साथ कौम का फायदा भी हो सकता है। मैंने एजुकेशन में 7 साल काम किया और मैं आपको कह सकता हूं कि पाकिस्तान में अगर हमने एजुकेशन के निजाम को सही करना है तो हमने कम अज कम 5 लाख टीचर्स जो है हमने एजुकेशन सिस्टम में पोटेंशियली डालने, क्योंकि जितने भी छोटे स्कूल्स हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनमें दो दो एक एक टीचर 5-5, 6-6 क्लासेस को पढ़ा रहे हैं। सिमिलरली अगर हम हेल्थ सेक्टर को देखें तो अगर आप लेडी हेल्थ वर्कर्स ले लें जिनसे जो है डिजीज बहुत ज्यादा प्रिवेंट होता है, अगर आप नर्सेज को ले लें, ये सारे वो सेक्टर्स हैं जहाँ पे जॉब क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। तो मैं अपने मुखालिफीन को या डाउटर्स को या सपोर्टर्स को ये कहूँगा कि जी हमें मईशत तो बड़ी बड़ी बुरी हालत में छोड़ी है, लेकिन वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ पे नियत हो तो रास्ता भी निकलता है। और इंशाल्लाह ये 10 करोड़ जो है जॉब्स, ये 1 करोड़ जॉब्स जो है, 10 मिलियन जॉब्स जो है, ये हम जो है आइडेंटिफाई करेंगे, प्लान करेंगे और आपकी मदद के साथ हम इस पे एग्जीक्यूशन भी करेंगे। तैमूर साहब, एक ही सवाल में भी बहुत सारे सवाल हो जाएंगे, इकोनॉमी की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो यही बात है कि फी कस बंदे के ऊपर, एक बंदे के ऊपर कर्जा जो है वो बढ़ के किस शरह से किस शरह में पहुंच गया, तकरीबन लाख रुपए से ऊपर हो गया सिटीजन, तो ये तो किसी से बात छुपी नहीं है। तो पहले तो ये हम चीज देखेंगे, उसके बाद हम इसके बारे में भी हम बात करेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे कि टैक्सेस जो है उसके ऊपर हमारी क्या रिफॉर्म्स होंगी, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे सरचार्जेस जो है वो बहुत बढ़ गए हैं, इंटर मार्केट में जो रेट है उस वक्त डॉलर का वो आप देखते हैं, या बाकी करेंसीज का भी फिर फर्क पड़ता है, जाहिर सी बात है डॉलर का मेन उसको अपना देखते हैं सोर्स को तो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी तो बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, अभी फ्यूल की प्राइसेस फिर कह रहे हैं ऊपर कर रहे हैं, तो ये सब चीजें किस तरह चलेंगी, एक तरफ से कर्जे इतने बढ़ रहे हैं, ऊपर से आप जॉब क्रिएशन करने के कह रहे हैं, घर बनाने के कह रहे हैं, तो ये किस तरह सारी चीजें इससे डाउन हो रही है। देखिए इससे पहले आपने हाउसिंग का भी पूछा था, ताकि कोई ये ना सोचे कि मैंने वो सवाल जानबूझ के जवाब नहीं दिया, हाउसिंग जो है वो हमारी जॉब क्रिएशन स्ट्रेटजी का भी एक अहम हिस्सा है। और हाउसिंग जो है, जस्ट टू बी क्लियर वंस अगेन, असद साहब ने भी कहा हाउसिंग का ये मतलब नहीं कि वो 50 लाख घर गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन 50 लाख हाउसिंग यूनिट्स की कमी है और आजकल दुनिया में पूरा एक फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग, यानी कि लो कॉस्ट या कम कीमत की हाउसिंग या घर बनाने का, तो उसका जो प्लान है उसमें जो गवर्नमेंट का काम है वो रेगुलेटरी निज़ाम बनाना, वो निज़ाम बनाना जिसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप में वो घर बन सके।
और इसमें जो है अगर तीन चीजें सही हो, इस पे रिसर्च भी है, ये दुनिया के बाहर ममालिक में भी हुआ है, इस पे मैंने भी थोड़ा सा काम किया है और इस पे मजीद एक्सपर्ट्स भी अवेलेबल हैं, और वो तीन चीज़ें हैं जिनसे वो हाउसिंग की कीमत भी जो है कम हो सकती है, वो बन भी सकते हैं, उससे मजीद जॉब्स भी बन सकते हैं। पहले हाउसिंग में जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है या सबसे जो ज़्यादा कीमत को अफेक्ट करती है वो है लैंड या ज़मीन, और वो हाउसिंग के लिए लैंड की सही जगह का इंतखाब करने से जो है सारा फर्क पड़ता है। तो वो जो है जगह आइडेंटिफाई करनी है जहाँ पे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की ज़मीन हो या वो जिसके थ्रू ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन सके। दूसरा है हाउसिंग के लिए लो कॉस्ट फाइनेंस को एनेबल करना, वो असद साहब का काम, और तीसरा जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करना ताकि हाउसिंग के बनाने में 30-40% तक पर यूनिट की कॉस्ट की कमी आए, वो सही डेवलपर्स को आइडेंटिफाई करके हो सकता है, जिससे जो है ये हाउसिंग शॉर्टेज भी बन सकती है हमारे जो है गरीब आवाम के साथ, घर भी आ सकते हैं और उसके साथ हमारी मईशत को फ़ायदा भी हो सकता है। आपकी जो बाकी बात हुई है कि ये सब भी करना है लेकिन इकॉनमी की हालत भी इतनी बुरी है, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि हमारे पास चॉइस क्या है, हमारे पास चॉइस क्या है? हमारी 21 करोड़ की आबादी है, उसमें से 60-70% जो है वो 35 साल की उम्र के नीचे, हम क्या कहें कि हम उनको नौकरियां नहीं दे सकते, हम उनको एक करप्शन फ्री पाकिस्तान नहीं दे सकते, उनके सामने जो है इंडिया की मिसाल है जहां अभी लोग बाहर से वापस आ रहे हैं, 10 साल में 15 साल में उन्होंने पूरा एक मुल्क चेंज कर लिया, उसकी पूरी एक फील्ड चेंज कर ली, तो क्या हम उनसे कम है? 1992 तक तो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट हर साल इंडिया से ज्यादा थी। तो हमने ये जो है बिल्कुल सही, ये हमने दोनों साइड से ये चैलेंज टैकल करना, और इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो वाकई है कि अगर आपने पैसे खर्च करने तो आपने उसके साथ जो है गवर्नमेंट के गवर्नमेंट को पैसे ज्यादा देने कैसे, और उसके लिए टैक्स रिफॉर्म के लिए सबसे पहली चीज जो है एक टॉप क्लास एफबीआर का चेयरमैन बनाना, टॉप क्लास जब चेयरमैन बन जाए तो उसको अपॉइंट करना जो कि बोर्ड हो, जो कि रिफॉर्म कर सके, और उसके बाद जो है टैक्स बेस पे काम करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स नेट पे आ सके, और वो तभी आएंगे जब उनको लगे कि जो उनका प्राइम मिनिस्टर है, जो उनका वजीर आजम है, वो उनका पैसा उन पे खर्च कर रहा है, लंदन में मेफेयर में एवनफील्ड में अपार्टमेंट्स लेने के लिए नहीं। अगर वो फर्क आए तो उसके बाद जैसे लोग पाकिस्तानी दुनिया की सबसे ज्यादा ज़कात देते हैं, सबसे ज्यादा जो है फिलैंथ्रोपी देते हैं, तो फिर वो टैक्स भी देंगे। और अगर हम सिर्फ पाकिस्तान में टैक्स कलेक्ट करने की सतह इंडिया तक बराबर कर दें तो जो भी ये प्लान के लिए पैसे चाहिए वो हमें मिल जाएंगे। तो अगर इंडिया इतना टैक्स कलेक्ट कर सकता है हमारे जैसे जो है लोग ही, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? बेसिकली इस प्लान के लिए जो फाइनेंसिंग है उस पर डिपेंड करती है। तो बिजनेसमैन को हम किस तरह एश्योर करेंगे कि वो टैक्स कलेक्शन होगी प्रॉपर तरीके से, टैक्स कलेक्शन होगी, कुछ हमारे जो पाकिस्तान की पहचान होती थी कुछ चीजें वो इधर से अपना बिजनेस बंद करके और हमारे हमसाय मुल्कों में चले गए हैं, वो उधर बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें किस तरह चलेंगी? रुपए की फिर वही बात आती है, रुपए की कदर में कमी होती जा रही है, कि किस तरह बिजनेसमैन को किस तरह शोर करेंगे? इम्पोर्टेंट चीज है सिंपली बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल करना। उसके लिए जो चीज है वो ये नहीं कि बिजनेसमैन आपके साथ सख्त इकदाम लेने के लिए तैयार नहीं है, वो ये है कि जिस चीज का आप उसको वादा करें वो फिर आप निभाएं। इसाक डार साहब ने मेरे ख्याल में एक एक्सपोर्ट रिबेट का ऐलान दिया था जो आज तक नहीं दी गई। उस बेसिस पे जब एक बिजनेसमैन काम करे तो फिर वो आपको देना लाजम है। सदोबर साहब ने कहा कि वो देंगे। उसके साथ एक टैक्स रिजीम को या टैक्स कलेक्शन ज्यादा करने का ये मतलब नहीं कि आपने सरली टैक्स रेट्स बढ़ाते जाएं और जो है छोटे बिजनेसमैन पे बहुत ज्यादा करते जाएं, उसका मतलब ये है और ये हमारे प्लान में लिखा भी है, अ फेयर एंड इक्विटेबल टैक्स रिजीम जो कि फोकस करे वहां पे जहां से टैक्स नहीं मिल रहा और वो सही तरीके से कलेक्ट कर रहा। तो अगर बिजनेसमैन को सही तरीके से इंसेंटिव्स दिए जा सके
उसको बिजली की रेगुलरिटी दी सके, जिसको गैस की जरूरत है गैस की रेगुलरिटी दी दे, दे, दी जा सके, अगर उनको जो है जो रिबेट्स एक्सपोर्ट पे मिलते हैं ताकि वो कंपेटिटिव हो वो दी जा सके, तो फिर बिजनेसमैन जो है वो अपना काम करना खुद जानता है और वो इससे ज्यादा हुकूमत से कुछ चाहेगा भी नहीं। लेकिन उसके लिए वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए जो हमारी लीडरशिप है, जो हमारे शहर फाइनेंस मिनिस्टर हैं असद उमर साहब, वो आई थिंक उनसे बेहतर कोई बंदा ही नहीं है जो उन इनकी ट्रस्ट जो है बहाल कर सके, उनके साथ एंगेज कर सके, और मेरे ख्याल में ये कोई मसला नहीं होगा। तंगू साहब, नेक्स्ट हमारा जो आएगा चीज़ है तो पाकिस्तान में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका नाम मालूम है सुनते रहते हैं सीपैक, लेकिन अभी जो हुकूमत है उसे तो यही ऐसा लगता है सीपैक का मकसद ही शायद ये है कि एक मोटरवे ही बनेगी शायद, तो उस मोटरवे के अलावा तो सीपैक का और कोई काम नहीं है, जिधर हम जो जलसा होता है जो भी होता है मोटरवे यहाँ से और तो हमें अभी तक सीपैक का कुछ नहीं, तो ये किस तरह आप देखते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह बेनिफिट करेगा और इसके जो इंशाल्लाह जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है तो वो सीपैक को किस तरह लेकर चलेगी? हमने पूरा सीपैक का एक प्लान बनाना है ताकि ये वाकई एक कॉरिडोर बन सके, कॉरिडोर यानी कि एक रास्ता जिसपे ट्रैफिक इस तरफ भी जा सके और इस तरफ भी जा सके, एक वन वे कॉरिडोर नहीं लेकिन एक टू वे कॉरिडोर, ताकि दोनों तरफ जो है वो ट्रैफिक जा सके। वो प्लान बनाने के लिए हमने सिर्फ एक मोटरवे एक रास्ता नहीं लेकिन पूरा एक इकोसिस्टम जो मैंने कहा नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट जो है वो देखना, जिससे पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो वाकई फायदा ले सके। ठीक है, उसके लिए जो है एज आई सेड इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काम हो रहा है लेकिन उसके साथ जो पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटीज हैं अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के थ्रू अपनी मजीद इंडस्ट्रीज को जैसे टूरिज्म को डेवलप करने का, क्योंकि एक दाम में कितना चाइनीज इंटरेस्ट आता है तो वो जो है टूरिस्ट्स भी आ सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करने का पार्टनरशिप के थ्रू, ये देखना कि चाइना में कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट हो सकती है ताकि जो है रिवर्स भी जा सके, ये देखना कि चाइना में बाहर की दुनिया से कौन सी चीज़ एक्सपोर्ट हो सके जो पाकिस्तान के थ्रू ट्रांजिट के थ्रू जाए, ये सारी चीज़ों पे काम करके एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाना है जिसके थ्रू हम सीपेक का इकोनॉमिकली भी फ़ायदा उठा सकें और ह्यूमन रिसोर्स पोटेंशियल के थ्रू भी फ़ायदा उठा सकें, और इसके लिए हम वाकई जो है कंसल्टेशन करेंगे उन सारे लोगों से या उन सारे स्टेक होल्डर ग्रुप से जिनसे इनको फायदा जो है पहुंच सके, बिकॉज ये अगेन एक बंदे का काम नहीं है, इस पे हम काम कर भी रहे हैं, हम अपने प्लान्स जो है अब आपके सामने भी रखेंगे और इसलिए सामने रखेंगे ताकि वो हमें मजीद तजवीज दे। लेकिन फिलहाल जो सीपैक का कॉन्सेप्ट है जो जैसे आपने कहा कि एक मोटरवे एक ऑरेंज लाइन, अब आप मुझे बताएं कि लाहौर में एक ऑरेंज लाइन का सीपैक और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्या ताल्लुक है, वो वाला सीपैक जो है उससे हमने वाकई जो है मजीद जाना है ताकि सीपैक से वाकई पाकिस्तान को फायदा मिले। तमूर साहब, 18th अमेंडमेंट के बाद ये चेंजेस वगैरह आई जिसमें आपके हेल्थ एजुकेशन और एनवायरनमेंट भी उसके अंदर आ जाती है, तो आप समझते हैं कि स्पेशली एजुकेशन वगैरह में और ये सारी जगह पे आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसीज किस तरह लेकर आएंगे जिसकी बात भी की गई कि पूरे एक ही निज़ाम होगा? फिर दूसरा हम ये चीज़ देखते हैं कि मदरसा को हमने काफ़ी इंपॉर्टेंस जेपी साइड पर भी दी, उनके भी काफ़ी डेवलपमेंट की गई, और किस तरह इन सारी चीज़ों को लेकर चलेंगे? फिर एक बड़ा हमारे इधर प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स का एक है, फिर इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम, एक अजीब रेस सी चल रही है जिसका हम ये सब चीज़ों को किस तरह एक साथ लेकर चलेंगे? देखिए, एजुकेशन एक ऐसे टॉपिक है जिसको बिल्कुल पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, एजुकेशन एक ऐसे टॉपिक है जिसमें हमारे जो गरीब आवाम का मुस्तकबिल है वो इन द लॉन्ग टर्म इससे जुड़ा हुआ है कि उनको कैसी एजुकेशन मिलती है। और जैसे आपने कहा इसमें बहुत से मसाइल, ये तो बाकी एक टॉपिक है जिसपे मैंने पाकिस्तान में 7 साल काम किया है, उसके अलावा बाहर काम किया। अब आप देखें केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट ने काम किया एजुकेशन पे, 5 साल पहले के मुकाबले में सिचुएशन बहुत बेहतर है लेकिन अभी भी बहुत काम करने को है, जैसे बाकी पाकिस्तान में अभी भी बहुत काम करने को है। लेकिन इसको ठीक करने में हमने बहुत सी चीजें जो है वो ठीक कर ली है,
आपने मदरसा रिफॉर्म का कहा, खान साहब ने खुद इसका कहा है कि मदरसा उसको मेन स्ट्रीम करना जो है ताकि मदरसा स्टूडेंट्स को भी वो अपॉर्चुनिटीज मिले, ये ऑब्वियसली एजुकेशन एजेंडा का एक हिस्सा है। लेकिन अगर मैं मेन स्ट्रीम एजुकेशन सिस्टम पे आऊँ तो हमने सबसे पहले जो तकरीबन 1.5 लाख पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें हमने ये देखना है कि उनमें जो बच्चे जाते हैं वो क्या सीखते हैं, और उसको हमने जो है खास फोकस करना है कि जो पहले 5 साल में जो बच्चे सीखें वो आज तकरीबन कुछ भी नहीं है, उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट था, वो बिल्कुल तब्दील हो। कि अभी तक जो सारे लोग बात करते हैं एजुकेशन, वो बात करते हैं कि इतने बच्चे आउट ऑफ स्कूल है, इतने बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। हाँ, हमने आउट ऑफ स्कूल बच्चों को भी स्कूल में लाना, लेकिन जो 5 करोड़ बच्चे स्कूल में हैं उनका टाइम ना जाया होने देना, ये हमारी एजुकेशन स्ट्रेटजी का एक फोकस होगा। हम गवर्नमेंट स्कूल्स को बेहतर करेंगे, हम प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी जगह छोड़ेंगे, बिकॉज अगर हमने प्राइवेट स्कूल्स को एलिमिनेट किया तो पाकिस्तान में एजुकेशन का सिस्टम ही नहीं रहेगा। उनकी अपनी जगह, मदरसा की अपनी जगह, और फिर एजुकेशन तब ठीक होगी जब हम एजुकेशन की मैनेजमेंट को ट्रांसफॉर्म करें। और जैसे हमने पुलिस को ट्रांसफॉर्म किया, जैसे हमने एजुकेशन पे काम शुरू किया, एजुकेशन की मैनेजमेंट को सही तरीके से डिसेंट्रलाइज करना लेकिन उनकी कैपेबिलिटीज को बिल्ड करना, ये हमारे प्लान का एक खास हिस्सा होगा। एजुकेशन का प्लान भी जो है हम डिटेल से जो है वो देंगे, क्योंकि ये शायद इससे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो है ही। और तैमूर साहब, अब हम आएंगे कि एक ये चीज़ जो है वो लोग कह रहे हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा जो हमारा एजेंडा है 100 डेज का, इसमें फाटा कराची पंजाब और पंजाब के साथ साउथ पंजाब जो है ये बहुत ज़्यादा मैंशन है, और अभी हालिया जो आपने देखा ही है फाटा वाला जो मसला, अल्लाह का शुक्र है वो अच्छे तरीके से हल हो गया है, लेकिन आपने देखा है किस तरह उसको अपोज भी किया गया है और क्या असेंबली के बाहर भी और झगड़े वगैरह में, लेकिन आप ये चीज़ों को किस तरह लेके चलते हैं कि ये इतना ज़्यादा इन पर क्यों एम्फसाइज किया गया है और वजह क्या है? ये बड़ी ये बहुत अच्छा सवाल है। हमने इन 3 चीज़ों पर ख़ास तौर पर इसलिए फोकस किया, फाटा इसलिए बिकॉज फाटा ये तो हो नहीं सकता कि पाकिस्तान का एक हिस्सा हो जो पाकिस्तान के बनने के 70-71 साल के बाद हम उसको इलाका गैर कहें। इसको तो इमरान खान साहब ने पॉलिटिक्स में आने से पहले चैंपियन किया था, किताब भी लिखी थी। तो फाटा को मेन स्ट्रीम करना, जब उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं ये जो है वॉर ऑन टेरर पे भी, ये तो बिल्कुल एक टॉप प्रायोरिटी थी। अच्छा है कि हमने कह दिया, उसके कुछ दिन बाद इमीडिएटली हुकूमत के आखिरी दिनों में वो एक्शन भी हो गया, जबकि ये एक्शन बहुत पहले हो जाना चाहिए था फाटा की मेन स्ट्रीमिंग। और ये बाय द वे पहला कदम है। मेन स्ट्रीमिंग जो है असली जो चैलेंज है वो ये है कि 5 साल बाद फाटा के लोग क्या सोचेंगे कि ये मर्जर के बाद, ये जम होने के बाद हमारे साथ क्या सलूक हुआ। हमारा जो चैलेंज है उनके लिए वो प्लान बनाना कि 5 साल बाद फाटा में भी लोग ऐसे ही खुश हों जैसे आज खेती में। बेशक बहुत से काम नहीं होंगे, लेकिन जो नियत थी, जो कोशिश थी और जो रिजल्ट्स हैं, आप केपी में खुद पूछ लें। बेशक जो जितनी तनकीद करें उसका प्रूफ यह है कि आप केपी में जाके कहीं से 100 लोगों से पूछ लें और आप खुद ही देखेंगे कि उसमें 60-65-70 लोग पीटीआई के हक में होंगे। तो ये हमने पहली चीज जो है, इसलिए जब हम वफाक की बात कर रहे हैं तो हमने पहले फाटा की बात की। जनूबी पंजाब की हमने इसलिए बात की क्योंकि जनूबी पंजाब जो है, पंजाब एक ऐसा सूबा है जो पाकिस्तान का तकरीबन 55% हिस्सा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे, इंतजामी बुनियाद पे पंजाब से एक और सूबा बनाना जनूबी पंजाब का भी हक है और पाकिस्तान के वफाक को भी मजबूत करता है। और तीसरी चीज कराची, कराची तो इसलिए क्योंकि कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक हार्ट है, पाकिस्तान की मईशत का दिल है। देयरफॉर जो कराची के साथ पिछले 15 साल में हुआ उसको ठीक ना किया जाए तो वो तो कराची के साथ ज्यादती है, पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी पाकिस्तान पे फोकस नहीं करेंगे, लेकिन ये 3 चीज़ों को फिक्स करना इमरान खान ने खुद जो है इसकी कमिटमेंट दी है।
तनुजा बाबा हम आएंगे, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और इस वक्त हमारे सवाल भी ये बहुत हो रहा जा रहा है कि एक जो बात की गई है वो है वुमेन एम्पावरमेंट जी, तो ये किस तरह लेके चलेंगे, क्या प्लान है, इनजस्टिस होता है पाकिस्तान में देखा जाता है कुछ केसेस में, इसको किस तरह लेके चलेंगे एजुकेशन के लिहाज से और बाकी हर चीज में मेन स्ट्रीम में किस तरह लेकर आया जाएगा और वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से क्या पॉलिसी है। देखिए दो फोकस एरियाज है, एक खवातीन और एक यूथ या नौजवान, इन दोनों पे जो प्लान हमने बनाने हैं उनमें इन दो तबकों को इन्वॉल्व भी करना। ख्वातीन के लिए सेफ नौकरियों को इकोनॉमिक एक प्लान देना, ख्वातीन को उनके जो है वो हकूक देना, चाहे वो उनके इस्लामी हकूक हो, चाहे वो जो है डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट राइट्स हो, ठीक है जी, ख्वातीन पे पूरा एक प्लान जो है वो बन रहा है, जिसके लिए हमने काफ़ी स्टेक होल्डर सेशंस भी किए जो हम बहुत जल्द जो है मेन स्ट्रीम में ले आएंगे और इस पर हम मजीद भी आइडियाज सुन पड़ेंगे। और जो पीटीआई का सबसे बड़ा असासर है यूथ नौजवान, देखा है कि जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब को और उनके एजेंडा को सपोर्ट किया शायद किसी ने नहीं किया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है हमारे नौजवानों के हाथ में है और देयरफॉर जो हमारे यूथ का जो प्लान है वो इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी जो है वो यूथ बनाएगा। उनके लिए जो सबसे बड़ा काम हम कर रहे हैं नौकरियों का, उस पर हमने बड़ी डिटेल में बात की, लेकिन जो हमारे यूथ है वो हमारे चेंज एजेंडा को कैसे लीड कर सकते हैं इस पर इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हम बात करेंगे। तैमूर साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो एक तो क्लाइमेटिक चेंज आप देख रहे हैं वो है, उसके साथ वाटर क्राइसिस इस वक्त जो है मेन बहस में है, कोई डैम्स की तमीन नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, इस पर कोई पॉलिसीज अभी तक नजर ही नहीं आ रही, तो ये किस तरह हम लेके चलेंगे और एग्रीकल्चर जो हमारे काश्तकार हैं वो काफी इस चीज से भी परेशान नजर आते हैं, तो हमारे इसके ऊपर क्या पॉलिसीज होंगी। देखिए ये सारा जो है वो मिला हुआ है, पानी, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट चेंज यानी मौसमी तब्दीली, और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। इसके लिए एक इंटीग्रेटेड जो है स्ट्रैटेजी बनाना जो है और उसको इम्प्लीमेंट करना, इस गवर्नमेंट ने एक क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री बनाई लेकिन जब वो मिनिस्टर जो है बैनुल अक़वामी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पे गया और उसने उससे सवाल जवाब पूछे गए तो उसने कहा जी मैं सवाल जवाब का जो है वो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास एक तैयार तकरीर है वो तकरीर मैं ज़रूर सुना सकता हूँ। तो ये तो वो सीरियसनेस है जिससे हम ये टॉपिक्स जो है वो लेते हैं। अगर हमने क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है तो सबसे पहले हमने पानी के मसले को जो है वो फोकस करना है, और पानी के मसले को फोकस करने के लिए क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होगा उससे हमारे पानी की अवेलेबिलिटी पे और भी जो है वो असर पड़ेगा, तो हमने पानी के सप्लाई और पानी के डिमांड दोनों पे काम करना पड़ेगा। सप्लाई पे कैसे, ताकि हम जो हम डैम्स बनाए, और सबसे पहले हमने बात की बाशा डैम पे इमीडिएट स्टेप्स लेना, चाहे उस पर 10 साल भी लगे और हमारी हुकूमत में ना भी बने लेकिन उसको एक्सेलरेट करना। उसके साथ जो अभी नेशनल वाटर पॉलिसी जो 2002 से 2018 में 2002 में तैयार थी, 16 साल लगे उसके अप्रूव होने में, उसको हम जल्दी से जल्दी अपग्रेड करेंगे और उसको जल्दी से जल्दी हम इम्प्रूव करेंगे सेंटर में भी और हर प्रोविंस में भी। और उसके बाद जो है ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर में हमारे पास शायद पाकिस्तान के टेक्निकली सबसे बेहतरीन एग्रीकल्चरिस्ट जहांगीर तरीन साहब जो है, जैसे उन्होंने कहा कि इंटरेस्टिंगली बात यह है कि आप एग्रीकल्चर में पानी का इस्तेमाल कम करें आपकी फसल जो है वो एक्चुअली बेहतर होती है। तो एग्रीकल्चर में किसानों को ट्रेन करना ताकि वो समझे कि पानी का इस्तेमाल कैसे रैशनलाइज हो, कम हो, ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और फिर किसान का मुनाफा जो है वो ज्यादा हो, इस पे पूरा एक प्रोग्राम बनाना, और फिर जो है ये देखना कि जैसे मौसमी तब्दीली आ रही है तो हमने अपने एग्रीकल्चरल मिक्स में, क्रॉप मिक्स में कौन सी जो है ओवर टाइम तब्दीलियां लानी है, कौन सी रिसर्च करनी है, इन सब पे काम करना। ये एक दिन का 100 दिन का जो है काम नहीं है, इसका 100 दिन में जो है वो स्टार्ट होगा, लेकिन सारे मुल्क को हमने ये समझाना है कि जो हमारे मसाइल हैं उस पे इमरान खान और उनकी हुकूमत सिर्फ अकेले काम नहीं कर सकती, आपके साथ हाथ मिला के काम करेगी, आपको बताएगी
कि क्या हो सकता है और मुश्किलात भी क्या हैं, ताकि आप खुद इमरान खान के हाथ जो है वो मजबूत कर सकें। तैमूर साहब, हम अब अपने आखिरी क्वेश्चंस की ऑलमोस्ट तरफ हम जा रहे हैं, तो ऐसा ये पूछेंगे कि हेल्थ और एजुकेशन, ये तकरीबन हर पाकिस्तानी का एक फर्ज भी, हमारे आइन में भी है कि एजुकेशन है लाजमी है पाकिस्तानी के लिए, तो इसके लिए जो फौरी इकदाम होगा क्या है, इसके कोई इमरजेंसी हम लगाएंगे, कोई किस तरह इसको 100 डेज में लेकर चलेंगे, और बार बार एक ही क्वेश्चन यूथ कह रही है कि हमें भी बताएंगे हमारे लिए क्या, यूथ के लिए, क्योंकि पीटीआई जो है वो यूथ की एक पार्टी है, सबसे ज्यादा यूथ जो है वो इसी पार्टी में, तो उनके लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज कुछ बताइएगा। पहले हेल्थ और एजुकेशन पे बात करते हैं। हेल्थ पे तो जो सबसे बड़ी चीज हमने जो है वो कही है वो ये है कि जो सेहत इंसाफ का प्रोग्राम है वो इमीडिएटली एक्सपैंड करना, ताकि जितने भी गरीब फैमिलीज हैं उनको सेहत इंसाफ कार्ड जो है वो मिल सके अक्रॉस पाकिस्तान। बहुत अप्रीशिएट हुआ है, कॉपी भी हुआ है, ये करना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद हेल्थ में जो है ना सिर्फ के बड़े अस्पताल, लेकिन उसके साथ उन पे रश कम करने के लिए जो BHUs और जो तहसील और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उन पे जो है वो काम करना, ताकि वहाँ पे से जो है वो सर्विस डिलीवरी जो है वो शुरू हो, तो उससे जो है बड़ा फर्क पड़ेगा। और तीसरी चीज कि हम हेल्थ केयर को घर में कैसे ले सकते, जो लेडी हेल्थ वर्कर्स, लेडी हेल्थ विजिटर्स का प्रोग्राम है जिससे इम्यूनाइजेशन होती है, जिससे सैनिटेशन पे काम होता है, जिससे फैमिली की हेल्थ और एजुकेशन अवेयरनेस भी होती है, उस प्रोग्राम को एक्सपैंड करना और ज्यादा इफेक्टिव करना, ताकि जो गरीब आवाम हो उन तक बेहतरीन हेल्थ केयर एडवाइस पहुंच सके। और चौथी चीज, दुनिया में अभी बहुत सी इनोवेशंस आ रही हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ रही है, और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी बाहर के ममालिक में, अफ्रीका में, एशिया के मजीद जो डेवलपिंग कंट्रीज में इस्तेमाल हो रही है उसको इस्तेमाल करना, ताकि हमें वाकई पता चल सके और इसका एक जो है सक्सेसफुल मॉडल किसी हद तक, जो हम आखिरी 2-3 साल में पोलियो के चैलेंज को बैन अक्वामी हेल्प के साथ एरेडिकेट करने की काफी हद तक कामयाब हो सके, उसको रेप्लिकेट करना। तो हेल्थ में तो ये, एजुकेशन में जैसे मैंने कहा, अगेन ये एक प्रोविंशियल टॉपिक है तो ये सूबा बाय सूबा करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में तो प्राइमरी एजुकेशन में जो सबसे जरूरी चीज ये है वो है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्पॉटलाइट, या लाइट को इस पे शाइन करना कि जो हमारे गरीब बच्चे हैं वो क्या सीख रहे हैं, और उसको जल्दी से जल्दी बेहतर किया जाए, क्योंकि जब तक एक बच्चा स्कूल में कुछ सीख ना रहा हो तो उसके जाने का फायदा क्या। तो एक लिटरेसी, एक जो है लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इमरजेंसी लगाना और उसको 5 साल पर स्यू करना प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन में बड़े रिफॉर्म लाना, ताकि अगर हम देखें कि जो बंदा सेकेंडरी एजुकेशन से बाहर निकले तो वो जॉब मार्केट के लिए कैसे तैयार हो। अगर हम, मैं आपको एक स्टेटिस्टिक देता हूं, एक पाकिस्तानी बाहर की टॉप यूनिवर्सिटी में जाता है, इंडिया की हमारी से आबादी 6 गुना ज्यादा है, 6 इंडियन जाने चाहिए, आपको पता है कितने जाते हैं, 30, यहां पे एक वहां पे 30। तो सेकेंडरी एजुकेशन और टर्शियरी एजुकेशन के लिए वो प्लान बनाना ताकि हम क्वालिटी पे फोकस करें। और आखिर में जो है चीज वो ये कि खास तौर पे, और ये यूथ पे भी आता है, वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन पे एक खास फोकस दे। खास फोकस क्यों? क्योंकि जो आप स्किल्स सीखते हैं, और इसके लिए बड़े जबरदस्त बड़े नए मॉडल्स हैं, ऐसे मॉडल्स हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक 3 साल के डिप्लोमा के बजाय अगर एक जॉब की ट्रेनिंग आपकी 12 या 18 या 24 हफ्तों में हो तो आप 3 साल की डिग्री पे पैसा क्यों खर्च करें। तो इसको कहते हैं बूट कैंप अप्रोच, इस टाइप के अप्रोचेस इंट्रोड्यूस करना ताकि हम लोगों को जल्दी से जल्दी जॉब मार्केट में कनेक्ट कर सकें। उसमें जो है हम एम्प्लॉयर्स यानी जो कंपनियां हैं जो लोगों को लेती हैं उनको ट्रेनिंग में इन्वॉल्व कर सकें। उसका कुछ ट्रेनिंग का फायदा पैसा गवर्नमेंट वैसे ही देता है, वो गवर्नमेंट दे लेकिन इस बेसिस पे दे के उन कंपनियों को कि आप जो है आप फिर इन लोगों को लें। तो ये पूरा एक साइकिल जो प्रेजेंट करना, इस सारे पे जो है पहले 100 दिन में काम होगा, लेकिन एजुकेशन एक ऐसे टॉपिक नहीं है जिसपे 100 दिन में जो है वो रिजल्ट आ सकते हैं, लेकिन जैसे 5 साल में KP में रिजल्ट आए जिसको सारा सूबा मानता है
ऐसे एजुकेशन में इंशाल्लाह सारे मुल्क में रिजल्ट्स आएंगे। दूसरी आपने यूथ की बात की, यूथ के लिए नंबर एक जॉब्स, नंबर दो एक ऐसे प्रोग्राम मेरे ख्याल में बनाना है कि जो हमारा चेंज का एजेंडा है उसमें यूथ कैसे पार्टिसिपेट करे, उनको कैसे ट्रेन किया जाए, उनको कैसे जो है वो फोकस किया जाए कि वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में हमारी मैसेज हेल्प करे। तीसरी चीज यूथ के लिए ये कि यूथ को मौके दिए जाएं ताकि वो खुद आगे बढ़े। केपी में बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया, मैं मुझे उसमें लम्स की तरफ से एज ए जज इनवाइट किया गया था, केपी इम्पैक्ट चैलेंज, जिसमें लोगों को यूथ को जो है सॉफ्ट लोन्स और ग्रांट्स दिए जाते थे अगर वो प्रूव कर सके कि वो ऐसे बिजनेस में उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे वो अपना भी और सोसाइटी का भी जो है कोई भला कर सके। और उसके बाद चौथी चीज मैंने कहा, मेरा यकीन है कि हमारे यूथ के पास जितने आइडियाज हैं वो कभी कोई 40 50 60 साल के जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो नहीं दे सकते। सो इस प्रोसेस में अपने साथ यूथ को भी शामिल करना कि हम इनके लिए और क्या कर सकें, वो हमारा वादा है और वो हम करेंगे। हम जल्दी से एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसमें ये है कि लोकल बॉडी का जो सिस्टम अभी केपी में भी था कि वो कैसा चल रहा है, वो अच्छा है, और हम इसको अभी जब इंशाल्लाह गवर्नमेंट आती है तो इसके पाकिस्तान लेवल पे हम किस तरह के चलेंगे, कोई काम सर हमें ये हमारे 100 दिन के एजेंडा का एक बहुत बड़ा जो है हिस्सा है। और मैं जब केपी में काफ़ी टाइम के बाद गया, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि लोकल गवर्नमेंट से बड़ा चेंज शायद आया ही ना। मैं जिस गाँव में जाता हूँ वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट जो विलेज नाजिम होता है उसने सड़कें पक्की की होती हैं, नालियां साफ की होती हैं, वो गांव के लोगों का काम कर रहा होता है। हमने एक एमपीए के बजाय 40,000 जो है चेंज लीडर्स बना दिए। और अगर मैं कहता हूँ इसका, चूंकि मैंने पंजाब में भी काम किया है, वहाँ पे भी देखा है, मैं आपको ये कहता हूँ कि पंजाब का कोई भी काउंसलर हो, कोई भी यूनियन काउंसिल का लीडर हो, वो फोन उठा के केपी में पीटीआई की नहीं कोई अपने पार्टी के जो है नाजिम से बात करे कि यार आपको क्या इख्तियार दिए गए हैं और मेरे पास क्या इख्तियार है, और फर्क उसको खुद पता चल जाएगा। इसमें जी हमने फर्क क्या करना है, खान साहब ने खुद कहा ये सिस्टम जो है गांव में तो बड़ा जबरदस्त काम किया, हमने थोड़ी सी तब्दीली इसमें बड़े शहरों में लानी है जहां पे हम एक मॉडर्न सिटी गवर्नमेंट सिस्टम कराची जैसे शहरों के लिए जिसमें एक डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर हो और सिटी की जो है इख्तियार सिटी गवर्नमेंट के वो उस मेयर और उस सिटी गवर्नमेंट के पास हो, वो हमने इंट्रोड्यूस करने। और उसके अलावा जो छोटी चीज़ें विलेज गवर्नमेंट के सिस्टम में, लोग काफ़ी हैं, ज़्यादा है नहीं है, फंडिंग ज़्यादा करनी चाहिए नहीं ज़्यादा करनी चाहिए, कहाँ पे देनी चाहिए, उसका एक रिव्यू करके उसमें हम माइनर चेंजेस लाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर केपी में कोई एक वजह है जिसकी वजह से लोग खुश हैं वो लोकल गवर्नमेंट है। अभी हमें नेक्स्ट जो चीज़ होगी वो आपने गांव की बात की, तो एक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आया है कि अभी वक्त कम है, फिर वही बात है मुकाबला सकते हैं, इलेक्शन की डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, तो ये गांव की सतह तक ये प्रोग्राम जो आपका ये 100 दिन का एजेंडा है ये किस तरह लेके जाएंगे, इसके बाद एक छोटा सा जल्दी से देखिए इस पर बहुत सी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली गाँव की सतह तक जाती। खान साहब ने जो हमें मैंडेट दिया था वो ये दिया था कि हमारी हर पॉलिसी पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए होगी और हमारी गरीब आवाम देहात में है। अगर हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी का सोचें वो उन स्कूलों के लिए है जो गांव में मिडिल और प्राइमरी स्कूल हैं, वो बीकन हाउसेस के लिए नहीं। अगर हम अपनी हेल्थ पॉलिसी का सोचें, सेहत इंसाफ का, BHU, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रिफॉर्म, वो उन्हीं गरीब लोगों के लिए। अगर हम लोकल गवर्नमेंट का सोचें वो उन गरीब लोगों के लिए है, वो उन लोगों के लिए नहीं है जो हवाई जहाज़ों में बाहर जाते हैं, अपनी 3 महीने जो है वो लंदन में अमेरिका में गुजारते हैं। तकरीबन जो सारा रिफॉर्म का एजेंडा है उसका 60-70-80% जो है उसका इम्पैक्ट गांव पे होता है। हमने ये कमिट किया है कि हम जो है पाकिस्तान के सारे सिटीजन्स को साफ पानी मुहैया करें, वो इम्पैक्ट भी जितना शहरों में होता है उससे ज़्यादा गाँव में होता है, हमने जो है वो पूरा देखा। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हमने एग्रीकल्चर पे अपने जो 6 थीम्स थे उनमें पूरा एक थीम एग्रीकल्चर पे डाला। क्यों? क्योंकि जितना बुरा किसान के साथ पिछले 5 साल में हुआ है वो हमने तब्दील करना है।
तो तकरीबन सारा एजेंडा जो है वो गांव में हमारे जो है देहाती भाइयों बहनों को इम्पैक्ट करे। हम ऑलरेडी टाइम से ऊपर चले गए हैं। एक क्वेश्चन जो बार बार बहुत सारे लोगों से पूछा जा रहा है वो यही है, और हमारे एक भाई है वो नाराज भी कह रहे हैं, हो जाऊंगा रब नवाज उनका नाम, तो वो कह रहे हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है वो बैठे हुए हैं, वो इस वक्त देख भी रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके लिहाज से हमारी क्या पॉलिसी है, वो तो चाह रहे हैं कि वोट भी डाल सके, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर इंशाल्लाह गवर्नमेंट आ भी जाती है तो उनके लिहाज से क्या पॉलिसीज होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट। पहली चीज तो ये कि आई थिंक सबको पता होना चाहिए कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो पाकिस्तान की मईशत चलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, उनको वोट देने का फाइट किसने किया और किसने उनको वोट देने से रोका, इसका मुझे जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का किसी को ख्याल है, वो इमरान खान को है, वो पाकिस्तानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है, और जो प्यार उनको इमरान खान देते हैं वही रिस्पेक्ट वही प्यार वो पीटीआई से करते हैं, शायद इसीलिए बाकी पार्टियों ने मिल के जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हक था वोट देना वो किसी तरीके से अनफॉर्चुनेटली नहीं दी। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को जो है फैसिलिटेट करना, ए ताकि उनको पाकिस्तान में नौकरी के मौके मिल सके, इन्वेस्टमेंट के मौके मिल सके, उनकी जो है राय जो है ली जा सके, उनको पाकिस्तान की डेवलपमेंट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर बनाना, ये पीटीआई के एजेंडा का एक कोर हो ही सकता है। बिकॉज हमें पता है कि अगर बैरून मुल्क 10 पाकिस्तानी है तो 10 में अगर 10 नहीं तो 9 तो जो है उनकी पूरी ट्रस्ट पूरी बिलीफ इमरान खान में है, तो आई डोंट थिंक कि उनको तो इमरान खान किसी तरीके में भी मैं मायूस कर सकता। और अगेन बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जो भी सलाह है उनकी जो एक्सपीरियंस है वो हमें इस्तेमाल करनी है। हमारा पॉलिसी यूनिट का एक पेज भी है, उस पर भी जो है वो हमें एडवाइस दें, हमें वो फोकस दें, इंशाल्लाह हम उनके साथ डिटेल में बात करें। और साहब लास्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा, इसी के साथ हम फिर खत्म करेंगे अपना इंटरव्यू। एक तो ये चीज़ कि सोशल मीडिया कितना अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, और आप पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज देंगे कि क्यों वोट दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, एक छोटा सा मैसेज आपके। देखिए सोशल मीडिया ने तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो है आई थिंक पॉलिटिक्स को भी और लाइफ को भी जो है वो चेंज कर दिया। अब हमारी जिंदगी एक फोन में होती है। वोट देना इसलिए ज़रूरी है सिर्फ एक हलके के लिए नहीं, एक एमपी एमएलए के लिए नहीं, अपने लिए भी। जो वोट हम आज देते हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे बच्चों की जिंदगियों पे होता है। ये जो वोट है, ये जो इलेक्शन है, ये जो जंग है वो हमारे लिए नहीं, वो पाकिस्तान के अगले 50 अगले 100 साल के मुस्तकबिल के लिए इन फायदों का इन इन डिसीजंस का ये फर्क पड़ता है। वोट पे जो है बहुत से लोग जो है वो आपको इस बात पे गुमराह करते हैं कि देखें दूसरी पार्टी में इलेक्टेबल है तो इमरान खान के पास भी इलेक्टेबल है, तो फर्क क्या है? दूसरी पार्टी में जो है अगर एक बंदे ने ऐसे कहा और फिर 100% उन्होंने मंशूर नहीं जो है वो एक्सिक्यूट किया तो इमरान खान ने भी नहीं किया, तो फर्क क्या हुआ? मतलब ये कि आप इमरान खान की तरफ आओगे। मैं कहूंगा कि सोचे जो मेरे ख्याल में, और मैं बाकी ये जो है एज एन इंडिविजुअल कह रहा हूं, एज अ पाकिस्तानी सिटीजन कह रहा हूं, पीटीआई से अपनी वाबस्तगी अलहदा रहा, जो चॉइस है वो ये नहीं है कि जो है पंजाब में क्या हुआ है, केपी में क्या हुआ है, कौन सी रिपोर्ट क्या कह रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई भी बंदा जो है वो 100% अकॉर्डिंग टू प्लान जिंदगी में नहीं कर सकता, पॉलिटिक्स में कैसे कर सकता। लेकिन चॉइस ये है कि एक तरफ जो है हमारे पास एक सेट ऑफ लीडर्स है, अगर हम पीएमएलएन को ले लें, अगर हम पीपीपी को ले, जो आजमा चुके हैं हम, जिनकी अगर वो अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी देते हैं जितना भी वो कर सके, हमें पता है कि वो क्या होगा। अगर हम उनको बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे दें, 19-20% भी इस मुल्क में नहीं आएगा। उसके बावजूद जो है
एक दिन हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है, हमें पता चलेगा कि उसकी लंदन में 10 प्रॉपर्टी है, एक दिन पता चलेगा कि उसकी अमरीका में, और उसमें भी कोई मसला नहीं है। लोग बाहर भी पैसा बनाते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो कह चुके हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे पास सारे सबूत। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास चॉइस है। ठीक है, आप मान लें कि इमरान खान एक रिस्क भी है, मैं नहीं मानता, ये मैंने देखा क्रिकेट के वक्त से, कैंसर हॉस्पिटल के वक्त से, उसके बाद जो है नमल यूनिवर्सिटी के वक्त से, एक बंदा 22 साल स्ट्रगल कर रहा है जब उसको जरूरत नहीं। मेरे ख्याल में उसकी नीयत क्लियर है, उसका जज्बा क्लियर है, उसका विजन क्लियर है, जरूर एक आध छोटी गलती होगी, मैं मानता हूं, लेकिन अभी हमारा जो काम है वो ये है कि अगर यहां पे इतना पोटेंशियल है, खान साहब में इतना पोटेंशियल है, यहां पे 10 गलतियां है, यहां पे 5 गलतियां है, इस बात पे हम ना जाएं। हमारा अभी काम ये है कि हम अगर एक वाकई मुख्तलिफ पाकिस्तान देखना चाहते हैं तो तनकीद करना बड़ा आसान है, लेकिन एक हम अपनी चॉइस बनाएं और फिर तनकीद के बजाय हम अपने आप से पूछें कि अगर खान साहब की नीयत सही, अगर उनकी कोशिश सही, तो अगर उन्होंने कहीं कॉम्प्रोमाइज भी किया, उन्होंने इसलिए किया है कि वो गलत काम करना चाहते थे, या उन्होंने इसलिए किया या हमने उनकी विजन को पूरा सपोर्ट नहीं दिया। तो मैंने तो जब पॉलिटिक्स में फैसला किया, ये एक पार्टी थी, क्योंकि मैं एक सियासी खानदान से भी हूँ और मैं पेशावर से हूँ, और आपको पता है कि पेशावर में अगर पाकिस्तान में एक जगह टिकट्स पे एक फाइट है पीटीआई में, वो पेशावर में थी। तो ये एक पार्टी थी जहां से मुझे कुछ भी गारंटी नहीं था, लेकिन मैंने ये सोचा कि मेरा एक्सपीरियंस कहाँ पे सबसे अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, और उसके बाद किस बंदे का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, और किस पार्टी और किस कॉज के साथ मैं अगर सबसे ज्यादा एफर्ट करूं तो सबसे ज्यादा फर्क पाकिस्तान को कहां पे पहुंच सकता है। उसके बाद मेरे पास एक ही जवाब था, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कहां पे वोट दें, लेकिन अगर आपका ख्याल ये है तो फिर आप सिर्फ एक बंदे की गलतियां ना आइडेंटिफाई करें, आप उसके हाथ मजबूत करें, ताकि इंशाल्लाह हम एक साथ एक ऐसा पाकिस्तान बना सके जिसपे हम सबको फख्र इंशाल्लाह जी। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।